नमस्कार, ओम साई। साई की कहानी साई भक्तों के साथ। इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। नमस्कार, ओम सायरा। आज हम श्री ज्ञानेश्वरी जो राकेश जुनेजा जी ने लिखी है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। और अब से मैं हमेशा हर एपिसोड के माध्यम से साई प्रभा टीवी के माध्यम से आप सभी तक पहुंचूंगी और आप लोगों को इस बुक की, इस किताब की, इस सब बाबा के ज्ञान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कथा रूप में। आज के हम पहले भाग में हम क्या सुनेंगे तो वो आपको आज बताना चाहूँगी। आज हम साईं ज्ञानेश्वरी का प्रस्तावना सुनने वाले हैं। प्रस्तावना मतलब कि हम किताब को पढ़ने से पहले उसमें ऐसा क्या है जो जानना ज़रूरी है, वही ज्ञान हम आज जानने की कोशिश करेंगे। वो किताब लिखने का मतलब क्या था, उनको ऐसा विचार क्यों आया, ये सारी बातें वो इस प्रस्तावना में लिखते हैं और वही प्रस्तावना आज हम आप सभी के घर तक पहुंचाने वाले हैं। तो इसलिए आप हमें सहयोग दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारा साथ दें। तो चलिए हम चलते हैं प्रस्तावना। श्री साईं कृपा के बादल हैं, इसमें उदाहरण के रूप में बताया गया कि जो साईं बाबा हैं वे बादल हैं। वो एक ऐसे बादल हैं, वे ज्ञान की वृष्टि करते हैं, इससे अज्ञान की उड़ती धूल नीचे बैठ जाती है, मटियामेट हो जाती है और घनी धूल के कारण जब कुछ दिखाई नहीं देता तो साईं कृपा दृष्टि पर मार्गदर्शन करते हैं और यह राह दिखाते हैं। इसका मतलब है कि जो साईं बाबा है वो एक ऐसे बादल के रूप में है, वो एक ऐसे बादल है जो बरसात करता है। आप सभी को पता है कि बरसात होती है तो जो उड़ती धूल रहती है वातावरण वो सब नीचे बैठ जाती है और जो जमीन पे फैली हुई जो धूल होती है वो पानी गिरने की वजह से वो धुल जाता है। तो हमारी जो अज्ञान को आप धूल समझिए और जब साई की कृपा दृष्टि होती है, जब साई का बादल गरजता है, जब उसकी बरसात होती है तो जो ये हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो सब मिट जाता है। वो इस पहले में बताया गया। तो आगे हम देखते हैं उन्होंने और क्या बताया है हम सबके लिए। श्री साईं ज्ञानेश्वरी सदगुरु श्री साईं द्वारा दिए गए अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान का सत्यम शिवम सुंदरम है। अब हम आगे से जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितने अनमोल रत्न जड़े हुए हैं, कितना सुंदर तरीके से हमारे लिए एक गीता के ज्ञान को इतनी सरल भाषा में साईं बाबा ने हम आम इंसान के लिए बनाया है। और वो कलयुग के देवता हैं, साईं बाबा कलयुग के देवता हैं, इसी वजह से हमें साईं ज्ञानेश्वरी अवश्य पढ़नी चाहिए और इससे हमें पता चलता है कि हमें आगे क्या करना है, हम गलत राह पे हैं या सही राह पे, ये सारा मार्गदर्शन ये किताब कर सकती है। असमाया गागर, मतलब गागर छोटी सी रहती है और सागर बहुत ही विशाल होता है। जो राकेश जुनेजा जी कहते हैं कि मैं ये किताब को समझ रहा हूँ गागर, मतलब ये गागर समुद्र का पानी थोड़ी उठा सकती है, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा सा उसमें से ज्ञान लेके आप तक पहुँचाया जा सके, आपकी प्यास बुझाई जा सके, ये प्रयास उन्होंने इस किताब से किया। श्री साईं के दिव्य ज्ञान में वे क्षमता है जो किसी व्यक्ति के जीवन को दिशा दे सकती है। मतलब अगर हम कहीं भटके हुए हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि हम ऐसा मोड़ पे हम क्या करें, हमारा उद्धार कैसे हो, हम साईं से कैसे मिले, तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। इसमें आपको बहुत आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के बारे में बताया गया है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते हैं तो आप हमारे इन वीडियोज के द्वारा आप देखिए, इन एपिसोड के द्वारा देखिए और हम वही ज्ञान आप तक घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री साईं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिरडी की धरती पर है। 19वीं शताब्दी में साईं बाबा शिरडी आए थे। उनके अवतार से सारी दुनिया का सौभाग्य सितारा चमक उठा। उन्होंने भक्ति को जन जन के लिए सुलभ बनाया। जैसे आपको मैंने बताया कि साईं बाबा ने अपने इतने गूढ़ रहस्य वाले वचनों को
एक सिंपल भाषा में, एक सरल भाषा में हम तक पहुंचाने की कोशिश की। भगवान क्या है उसे समझाने की कोशिश की, भगवान क्या चाहते हैं वो समझाने की कोशिश की। श्री साईं के पास श्रद्धालु प्रतिदिन दूर दूर से चलकर आते थे। वे भक्तों के साथ अल्प संभाषण करते थे, मतलब साईं बाबा बहुत ही कम भाषा में, ज्यादा नहीं बोलते थे लेकिन थोड़े ही शब्दों में आप लोगों को एक ऐसा ज्ञान दे देते जिसे आपको समझना भी आसान हो और उसे आपको फॉलो करना भी आसान हो। गिने चुने कुछ शब्दों या वाक्यों में ही मार्गदर्शन व आशीर्वाद दिया करते थे। कुछ भक्त श्री साईं से ज्ञान प्रदान करने का विशेष आग्रह किया करते थे। कोई कोई व्यक्ति थे, कोई ऐसे भक्त थे जो बाबा से कहते थे कि बाबा आप हम पे कुछ कृपा दृष्टि कीजिए, आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए जिसे हम अपने जीवन में उतार सके, और साईं बाबा उनको उस चीज में हेल्प किया करते थे। श्री साईं उन्हें बातों बातों में ही संक्षिप्त ज्ञान का अद्भुत खजाना दिया करते थे। सदगुरु और भक्त के बीच में परस्पर संवाद होता था और सदगुरु को भक्त के ज्ञान, मतलब जो साईं बाबा है वो अपने कम शब्दों में ही हम भक्तों को आसानी से ज्ञान दिया करते थे। सदगुरु श्री साईं की यह खास विशेषता थी कि उनके पास जो व्यक्ति जिस प्रकार की सदिच्छा से लेके आता था बाबा उसे वो पूरी करते थे। अगर आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो आप, अगर संतान चाहिए तो आप बाबा से कहेंगे कि सब बाबा हमें संतान चाहिए, तो बाबा आपको संतान, आप जिस इच्छा से साईं बाबा के पास आते थे, ज्ञान की इच्छा से आते थे तो ज्ञान मिलता, मकान की इच्छा से आते तो मकान मिलता, पुत्र की इच्छा से आते तो पुत्र मिलता, और आपको धन की इच्छा होती तो वो मिलता। अब हम हमारे इस एपिसोड को, हमारे साईं ज्ञानेश्वरी की प्रस्तावना भाग एक को आज यही समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोग इसके आगे आने वाले वीडियोस को जरूर देखिए। और मेरी आप लोगों से बहुत दिल से एक आग्रह है, उसे आप अगर माने तो मुझे बहुत प्रसन्नता। वो आग्रह यही है कि अभी कोरोना बहुत बढ़ रहा है, इस वजह से हमें समझना चाहिए कि हम मास्क लगाएं, हर जगह लगाएं। हमें सरकार ने जो नियम दिए हैं, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, और सरकार जो भी नियम दे रही है वो सब फॉलो करें। अगर आपको शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने आना है तो ऑनलाइन पासेस की सुविधा लेकर ही आए, क्योंकि आपको यहाँ आके दिक्कत हो सकती है, इस वजह से आप घर से ही प्लानिंग करके आए कि बाबा के पासेस में हमारे पास हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हम कल मिलते हैं। ओम साईं राम।